वक्त हमारा जो एजेंडा है आज का पीएसडीपी एनएफसी सियासी कारकुन के हवाले से काफ़ी यहाँ पे बैठे हुए मेम्बरान्स ने बात की इस पर पीएसडीपी का लैप्स होना, जैसे सनाउला बलोच साहब ने कहा कि हम यानी वादा वफा ना कर सके और जो हमारे लोगों के साथ यानी डेवलपमेंट के हवाले से जो लोगों के तहफ़ुसात थे, जो उनकी उम्मीदें हमसे थी, एक साल हमारा गुजर गया है लेकिन हम कोई मेरा ख्याल है वादा वफा ना कर सके। अपोजिशन तो अपनी जगह, बीइंग अ रिज़र्व, हमेशा मैंने यही कहा कि हम ख्वातीन को आप लोगों ने कभी एज मेंबर कंसीडर ही नहीं किया। जहां हम बात करते हैं कि हम लोगों को हर किस्म की खुशहाली दे रहे हैं, सीपैक के हवाले से जनाब असद साहब ने बहुत डिटेल बात की कि सीपैक का तो हम बहुत दावेदार हैं, हम बड़ा बुलंद बांग कहते हैं कि सीपैक है और बलूचिस्तान में इसका कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन हमने बलूचिस्तान के लोगों के जो पिछले टेन्योर की अगर हम चीज़ों को देखें, बीडीए के मुलाजमीन के पास में गई, उनकी हालत इज़हार मैंने देखी, टीचर्स के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर अभी बात की, अभी कुछ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च के जो 10% कोटा था, जो 20 यानी हमारे जो 20 एम्प्लॉयज़ 17 ग्रेड पर 2.5 साल से काम कर रहे थे, उनकी डिमोशन को हमने देखा कि हम बजाय आगे जाने के हम जुल्म पे जुल्म किए जा रहे हैं। अब मेरा ख्याल है इस हुकूमत के इख्तियार में इतना तो है कि जिन लोगों ने 20 सिर्फ जस्ट आपके एग्रीकल्चर एंड रिसर्च के 20 ऐसे लोग हैं जिन्होंने 17 ग्रेड पे बीएससी ओनर्स एग्रीकल्चर में और अभी एमएससी करके 17 ग्रेड पर 2.5 साल तक काम करते रहे हैं, फिर रूलिंग दे के उनको डिमोट किया गया है, अब किसी को 12, 14 और 7 ग्रेड मिलाना, मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा नाइंसाफ़ी हम कहीं नहीं कर रहे हैं। इससे पहले भी मैंने एक तवज्जो आप लोगों की दिलवाई थी, जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, खुददार मेडिकल कॉलेज जो कैंपसेस हमने खोले थे उनकी मैं बात कर रही हूँ, वो ऑलमोस्ट क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। हम पीएसडीपी को एक तरफ रख के हम एटलीस्ट इन इश्यूज़ को तो देखें कि जहाँ पे आपके 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर क्लियर करके सेकेंड ईयर के लिए उनके एडमिशन्स नहीं जा रहे हैं, उनको फैसिलिटेट नहीं कर रहा है गवर्नमेंट, उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, मेडिकल वहाँ से फेडरल कहता है कि इनको क्लोज किया जाए, स्कॉलरशिप पे हमारे माइनस लग गया है, बेरोजगारी हम बढ़ा रहे हैं, कभी हम फेडरल को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं, कभी प्रोविंशियल और प्रोविंशियल पिछली हुकूमतों को, हम हर तरफ यानी उंगलियाँ जो है ना उठाते जा रहे हैं, ये नहीं वो कर रहे, बेटरमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं। बलूचिस्तान को तो हमने दहशतगर्दी का नाम दे दिया, पिछले एक सेशन में आप लोगों ने एक बहुत बड़े दहशतगर्द को यहाँ से निकाला, हमारी एक असेंबली की खातून अपने बच्चे के साथ आई तो वो सबको नज़र आया, वो बच्चा सबको नज़र आया, सबसे बड़ा दहशतगर्द था, उसको आप लोगों ने इस असेंबली से निकाल दिया बगैर कुछ कहे, उसके बाद उस पर यानी मजाक भी होता रहा, बातें भी मैंने, कोई कहता है बोतल उठाई है तो उसको देख रहे, किसी के बच्चे को नहीं देख रहे, इस तरह के कमेंट्स देना ख़वातीन के साथ, यानी हम अगर एज़ अवामी नुमाइंदा हम बलूचिस्तान के हालात को देखें, गवादर में दहशतगर्दी हुई, पीसी होटल पे आपने एक ऐसे स्टूडेंट को एक लिखतकार उसका नाम दे दिया कि वो इसमें इन्वॉल्व है, अब वो मेंटल स्ट्रेस, वो जो उसका फ्यूचर कितना उससे मुंसलिक था, यहाँ पे हमारे बैठे हुए होम मिनिस्टर साहब वो इस चीज़ को देखें, कल इन्हीं के इलाके में 3 कोचेस चले जाते हैं और गायब हो जाते हैं मुसाफिरों के साथ, और फिर उसके बाद जब वो ट्वीट करते हैं, जब बात आती है तो उसके फौरन बाद जो है ना वो जो है ना सामने आ जाते हैं। यानी जनाब स्पीकर हमें ये देखना चाहिए, पीएसडीपी एनएफसीए अवार्ड सब चीज़ों पे हम रोना रो रहे हैं। खेतरान साहब मेरा ख्याल ये एक ऐसा फोरम है, माजरत के साथ, यू आर वेरी मच सीनियर देन मी, आई नो वी डोंट हैव रिस्पेक्ट ओवर एयर, खेतरान साहब मेरी बात सुन लें, बीबी उसने फ्लोर मुझे ना के बाद मुझे दिया था, आपने कहा पॉइंट ऑफ ऑर्डर ले लिया, इसको हम इससे ज्यादा आपको ख्वातीन को क्या एहतराम दें कि मैंने फ्लोर छोड़ दिया आपको दे दिया, चलें थैंक यू बंडल ऑफ थैंक्स, लेकिन ये तो स्पीकर साहब अब अगर हम उन तमाम चीजों को देखें, अब अगर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च के 20 एम्प्लॉयज को देखें तो मेरा ख्याल है ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप रूलिंग दे सकते हैं, आप इन 20 जो 2.5 साल से 17 ग्रेड पे काम कर रहे थे आप उनको रेगुलर कर सकते हैं उनकी उन्हीं सीट्स पे, आप इसको कमेटी के हवाले से इशू को कर सकते हैं ताकि कम से कम हम ज़्यादा नहीं कुछ तो हम अपने लोगों को रिलीफ दे सके। पीएसडीपी में तो ख़वातीन का हिस्सा है ही नहीं,
اور جہاں تک بات رہی میری بہن کی یہاں توہین ہوئی بچے کو لے کے آئی, وہ ان چیزوں کو آپ سب نظر انداز کر دیتے ہیں. کم از کم ایٹ لیسٹ ایز ریزرو سیٹس ہم بھی اتنا ہی ڈیزرو کرتے ہیں عزت, ہمارے بھی اتنے ہی لوگ ہیں, ہمارے بھی اس سوسائٹی میں ایک جگہ ہے. تو کائنڈلی ان چیزوں کو دیکھا جائے, اور پچھلے ادوار میں اگر سیشن میں جو میری سسٹر کے ساتھ ہوا ہے اس کو کائنڈلی آپ دوبارہ دیکھیں, اس پہ کمیٹی بنائیں, اس پہ دیکھیں ان کے ساتھ کیوں ایسا ہوا. تو کائنڈلی یہ میں کوکس کے پلیٹ فارم سے بات کروں گی, اور ایز ریزرو سیٹ پہ میں بات کروں گی کہ یہ چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں جو ایک دم سے, سوری میں نے ساری چیزیں واقعی ایک دم سے میں نے کہنا شروع کیا کیونکہ مجھے پتا ہے پھر مجھے یعنی موقع نہیں ملے گا, لیکن کائنڈلی آپ ان ایشوز کو ذرا دیکھ لیں, اور اسپیشلی یہ ریسرچ اینڈ ایگریکلچر والے کو بھی آپ دیکھ لیں. میڈیکل کالجز کا ایشو ہمارے جو بند ہونے جا رہے ہیں, جو کیمپسز کھلے تھے لورلائی, خضدار اور میرا خیال ہے اس میں تربت وغیرہ یہ, اور جو ہماری یونیورسٹی کیمپسز میں بھی ایڈمیشنز بند کیے گئے ہیں, کائنڈلی اس کو آپ کمیٹیز کے حوالے کر دیں, اس کو آپ کائنڈلی اس کو دیکھ لیجیے گا. تھینک یو. جی شکریہ میڈم. جی کتنا